हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अब UPSC एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके टाइम निकलता जा रहा है और अब मुश्किल से 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि करंट कैसे पढ़ें और भी सारे कई क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे। फ्रेंड्स, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। पहले क्या था कि पढ़ाई करनी होती थी और घर का थोड़ा बहुत काम होता था और मैं टाइम निकाल करके वीडियोज़ बना लेती थी। लेकिन अभी क्या है, अब जॉब भी हो गई है तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं। और अभी क्योंकि स्टार्टिंग है और ट्रांजिशन का फेज़ चल रहा है, चीज़ें मैनेज करने में मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे मैं मतलब मैनेज करूं। और अभी मतलब सब कुछ स्मूथली नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सारी चीज़ें सेट हो जाती है एक बार और रूटीन एक बन जाता है, फिर मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियोस आए। मैं अभी सोचा करती हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाना है, आप लोगों से ये बात करनी है, वो बात करनी है, और व्लॉग भी सोचती हूँ कि अपलोड करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। लेकिन ना तो एडिट करने का टाइम है, ना अपलोड करने का, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं और आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि मेरा मन करता है कि आप लोगों से बात करूं, लेकिन फिर वही टाइम की बात आ जाती है। तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे अब कम टाइम बचा है UPSC एग्ज़ाम को लेकर के, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम पर अगर पढ़ना है शॉर्ट नोट्स मिल जाते तो सही रहता, कैसे पढ़ें। तो देखिए, ये दिशा का एक स्टडी नोट्स है, सक्सेस स्टडी नोट्स, ठीक है। इसमें 9 बुक्स आपको मिलेंगी जो कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे GS के से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, इन सब का ये एक सक्सेस स्टडी नोट्स के फॉर्म में छोटे छोटे से दिए हुए हैं, जिसमें आपको चैप्टर और चैप्टर के साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करने को भी यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए इंडेक्स में आप अपना देख लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो आप पहले अपना चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आ सकते हैं वो आप लगा लीजिए। तो ये कुछ इकोनॉमी का है एक, ठीक है। और इसी तरह से ये देख लीजिए, ये जनरल नॉलेज का है, इसमें भी आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से आप चैप्टर पढ़िए और चैप्टर पढ़ करके आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं। तो ये अगर आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ, ये 9 बुक का पैकेज है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट फॉर्म में सक्सेस स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये देख सकते हैं आप, 6 बुक हैं GS की। फिर इसके अलावा UP से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है, चाहे वो मेन्स हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो UP के भी टॉपिक्स आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, इसमें UP की भी बुक है, और PYQ के लिए जो बुक है वो भी देख सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की है। तो ये पूरा एक पैकेज है, आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है, ठीक है। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो देखिए ये अप्रैल में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और जून चल रहा है अभी बैच में, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा यही 2-4 दिन में, ठीक है। तो हमारे 3 महीने का करंट हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है पर डे पढ़ते हुए। इससे हमने एक दिन टॉपिक पढ़ा है और अगले दिन इसी से रिलेटेड हमने क्विज लगाया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह से करंट तैयार हो चुका है। अब हम जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप @mamneha ID पर जा करके टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये जो बैच चल रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है। और देख लीजिए 27 अक्टूबर को जैसे हम लोगों का PCS का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का, तो इसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा, लास्ट 6 मंथ का करंट, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के करंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो ये थी करंट की बात कि करंट हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए जो हमारे टारगेट चल रहे हैं उसमें हम इंक्लूड करते हुए पर डे इसको पढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए जुलाई से हमारा टारगेट स्टार्ट हुआ था। जुलाई में हमने थोड़ा सा जीएस का जो मेंस का पोर्शन था वो भी कवर किया है और प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ा है। तो ये जुलाई अब हो चुका है, पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो अगस्त में हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है। ठीक है, तो हम अभी एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं, एंशियंट के बाद मेडिवल करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे और फिर इसके बाद अगस्त में ही हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो जो लोग भी टारगेट से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पर डे टारगेट आ जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बता देती हूँ, एक दो दिन मिस हो जाता है, अदरवाइज़ पर डे टारगेट दिए जाते हैं। तो आप अपना अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आप बुक और घटना चक्र से पढ़ते हैं, देखिए सेल्फ स्टडी से ही होना है ये आप भी जानते हैं, और मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रीलिम्स तभी क्वालिफाई होगा जब आप टाइम देंगे, खुद से टाइम देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर करना मत भूला करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।